हेलो फ्रेंड्स एजुकेशन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर है आपके लिए आज की कुछ खास अपडेट को लेके तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि एक बार फिर से जो है होने जा रही है आपकी ये आपको पता है कि आपकी तीन तारीख को होने वाली है जो आने वाला ये संडे है इस दिन आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है इंतज़ार है अपने एडमिट कार्ड का कि कब आएंगे और बहुत सारे हमसे सवाल भी पूछ रहे थे तो आपके लिए हम जवाब लेके आए हैं साथ ही साथ चंबा से अगर आप है तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर्स के नेम भी आपको बताएंगे कि किस किस सेंटर में आपके जो जो आपके वो सेंटर है वो अलॉट हुए हैं कहाँ कहाँ के वो है तो इसमें सभी बात करेंगे पहले जान लेते हैं इसमें पूरा हम पढ़ेंगे इसको क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने जिला चंबा में दिनांक 9 ग्यारह 2021 से 20 ग्यारह दो हज़ार तक जो आयोजित की गई पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है यानी कि फिजिकल टेस्ट उन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पुनः दिनांक तीन सात दो को अग्र लिखित संस्थानों पर निर्धारित की जाएगी इसमें वो सभी लोग जो जिन्होंने भी आपका ग्राउंड टेस्ट पास किया था वो सभी इसमें एलिजिबल है दोबारा पेपर देने के लिए चाहे वो पास हुआ था चाहे फेल हुआ था लेकिन इसमें वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जो नकल करते पकड़े गए हैं उन्हें इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है वो इस पेपर को दोबारा नहीं दे सकते हैं साथ ही इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि ये जो परीक्षा है आपकी तीन सात दो को अगर लिखित संस्थानों पर निर्धारित की जाएगी अगर लिखित संस्थान हमारे ये है जो नौ सेंटर इन्होंने दिए हैं जिसमें आपका पहला जो सेंटर है वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आपका चंबा का है फिर पॉल टेक्निकल कॉलेज में भी होगा जे एन एल मेडिकल कॉलेज में होगा मिलेनियम बी एड डिग्री कॉलेज जो आपका सरू में है वो भी है आई टी आई सरू और गवर्नमेंट आईटीआई चंबा है इसमें और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी है और आपका एन एच पी सी हेलीपैड कैरियन में भी आपका जो सेंटर है वो अलॉट हुए है नौ सेंटर चंबा से इसमें लिए गए हैं तो जो आगे रही अब एडमिट कार्ड की बात तो एडमिट कार्ड आपको विद इन दो दिन के अंदर आपको ये एसएमएस के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे जैसे आपको पता ही है पहले भी आपको इस तरह से ही ये प्राप्त हुए थे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसमें उसके द्वारा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जब वो मैसेज आएगा आपको विद इन एक दो दिन में आपको वो देखने को जरूर मिल जाएगा इसमें आपको जानकारी दी होगी कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर है और जो परीक्षा का समय है वो क्या है ये सभी इसमें लिखा होगा साथ ही में आपको अपने साथ ब्लैक और ब्लू पेन ले जाना है और आपका जो रहता है फोटो पहचान पत्र ले जाना है कोई भी इसमें हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आधार कार्ड हो सकता है वोटर आई कार्ड हो सकता है और आपको वैसे तो क्लिप बोर्ड भी इसमें कहा गया है कई बार ऐसा स्कूल अलॉट हो जाता है जहाँ पे डेस्क वगैरह नहीं मिल पाते हैं इसलिए इसमें इन्होंने लिखा होता है पहले कि आप क्लिप बोर्ड भी लेके आएँ तो वैसे तो हर जगह ही आजकल आपको मिल जाते हैं डेस्क अच्छे से और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या ब्लूटूथ घड़ी इस तरह से कोई भी आपके पास कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रख देनी है और इसमें बाकी इतनी ही इंफॉर्मेशन थी बाकी कोई अगली अपडेट आती है तो वो हम आपको जरूर इसी चैनल पर देते रहेंगे इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहें और आगे भी मिलती रहेगी जैसे ही ये परीक्षा हो जाएगी इसका आंसर की वगैरह भी आपको हर टाइम टू टाइम इसकी अपडेट आपको सभी मिलती रहेंगी तो ये कुछ खास था अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई मिल जाएगा तो ये कुछ खास अपडेट थी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक तो के लिए बाय